जैसे जैसे बीकानेर में मौसम की तपिश बढ़ रही है, वैसे वैसे सियासत की आंच भी तेज होती जा रही है, जिसका नतीजा यह है कि बीकानेर संसदीय सीट फिलहाल देश की सबसे हॉट संसदीय सीट बन चुकी है, जहां बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का विरोध सियासी बदले का रूप ले चुका है। विरोध करने वाले वो राजनेता है देवी सिंह भाटी। खबर अपडेट ने जब सांसद मेघवाल से जानना चाहा कि आखिर क्यों देवी सिंह भाटी उनका विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने जो कहा वो खुद ही सुन लीजिए। मैंने जैसे पहले जिक्र किया ना, वही विषय है, वही जैसे राजनीति का स्वभाव है ये कि आप किस गति से चल रहे हो, आपकी लोकप्रियता किस गति से आगे बढ़ रही है, ये सब लोग देखते रहते हैं। इसलिए इसमें ये चीजें स्वाभाविक है। मैं इस संबंध में कोई ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं मेरी गति से चल रहा हूं, और जैसी भारतीय जनता पार्टी ने हमें सिखाया है ट्रेनिंग के दौरान, उसके अनुसार ही चल रहा हूं। क्या इसमें कोई मनभेद का विषय है या कोई मतभेद का विषय है, इस पे कोई आपकी टिप्पणी? वो तो वो उनको देखना है। मेरा किसी से कोई मनभेद और मतभेद ज्यादा नहीं रहता। अगर मतभेद हो भी जाता किसी विषय पे, तो मनभेद तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैं फिर कहता हूं, मैं बेसिकली स्पिरिचुअल आदमी। किसी से भी कोई काम या गलती मेरे से होती है, तो मैं शाम को जरूर इंट्रोस्पेक्ट करता हूँ। जब इंट्रोस्पेक्ट करने वाला आदमी होता है ना, उससे गलतियां कम होती है। मानव स्वभाव में गलती हो सकती है, कोई गलती हुई है तो मैं तो क्षमा मांगने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन कोई विषय नहीं है और विषय बनाना हो तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए मैं कुछ करने के लिए मैं क्या कह सकता हूँ? मैं मेरे सिद्धांत के अनुसार पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। तो आपके उस मंथन का नतीजा ये निकला कि आपसे कोई किसी तरह की कोई गलती हुई नहीं? मुझे नहीं लगता। अरे है तो बताया जाए। मैंने कहा ना आपको, पहले ही कहा, अगर मुझे लगेगा कि गलती हुई है तो मैं माफी मांगने के लिए मैं तैयार रहता हूँ। यूँ तो मेघवाल और भाटी के बीच रिश्तों की ये तलखियाँ नई नहीं है, उनके बीच पनपे इस कड़वेपन को एक अरसा हो चुका है। लेकिन 15 मार्च 2019 को जब भाटी ने अर्जुन राम मेघवाल के विरोध में पार्टी को त्याग पत्र दिया, तो लगा कि दोनों के बीच इस कड़वेपन ने एक जंग का रूप ले लिया है, और ये जंग देवी सिंह भाटी बनाम अर्जुन राम मेघवाल कही जा सकती है। देखिए, मैंने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है, उसके पीछे कारण लगातार रहा है कि पार्टी के अंदर जो रह के पार्टी विरोधी गतिविधियां करे, और उनमें हमारे श्री अर्जुन राम जी मेघवाल है जो सांसद है यहां बीकानेर के, ये लगातार पार्टी में आने के बाद से गलत गतिविधियां, कांग्रेस के साथ मिली भगत, उनकी गुप्त मंत्रणा। मैं नहीं कहता हूं, जो चुनाव लड़ते हैं उनको पता है, जो नेता है भाजपा के उनको पता है, कार्यकर्ताओं को पता है कि इस प्रकार की गतिविधियों में ये लगातार लिप्त रहे। मेरा काम था कि समय समय पर पार्टी के नेताओं को आगाह करना, मैंने उनको आगाह किया। अभी भी मैं कल जयपुर जाके आया हूं, मैंने पार्टी के प्रदेश पदाधिकारी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और संगठन महामंत्री उनको भी बताया, केंद्रीय नेतृत्व श्री जावड़ेकर जी, श्री ओम प्रकाश जी माथुर साहब को भी मैंने बताया, हमारे जो प्रभारी सतीश जी पूनिया उनको भी आगाह किया। लेकिन मुझे लगा कि इन्होंने तय कर रखा है कि पुनः इनको भाजपा से सांसद की टिकट दी जाएगी, इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इस्तीफा सौंपने के बाद भी भाटी एक ही राग अलापते रहे कि मेघवाल की बीकानेर से टिकट काटी जाए। जो जो विरोध तेज होता गया, उन्हें लगा कि पार्टी उनकी इस मांग पर गौर फरमा ही लेगी, लेकिन हुआ इसके उलट ही। अर्जुन राम द्वारा प्रदेश इकाई को शिकायत करने के बाद बीजेपी ने भाटी का इस्तीफा मंजूर कर लिया, और साथ ही पार्टी ने उनकी प्राथमिक सदस्यता भी रद्द कर दी। पार्टी द्वारा भाटी का इस्तीफा मंजूर करना कई सवाल छोड़ जाता है। अव्वल तो यह कि क्या पार्टी देवी सिंह भाटी को कमतर आंक रही है, दूसरा यह कि क्या पार्टी की नजरों में मेघवाल का कद ज्यादा ऊंचा है, या फिर ये कि पार्टी भाटी के विरोध को कुछ भी नहीं समझ रही। इन सवालों के जवाब फकत भारतीय जनता पार्टी के पास ही है। खबर अपडेट की रिपोर्ट।